हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि HTML क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें एलिमेंट्स के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ जो पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग है, ये हमारे एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स के रिगार्डिंग जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उन्हें स्टार्ट टैग में स्पेसिफाई करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जहां एंकर टैग में जो href है वो हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है, जिसे हमने स्टार्ट टैग में डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्या है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, नेम होता है और इक्वल टू पाके डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एंकर टैग में जो href है वो क्या, एट्रीब्यूट का नेम है और जो डबल कोटेशन में है उसकी वैल्यू है। तो ये होता है एट्रीब्यूट्स के जो हमें एलिमेंट्स के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में हेडिंग टैग क्या होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की अजमाइश तो जुए में होती है।